15 अक्टूबर को कांग्रेस ने तेलंगाना में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 15 उम्मीदवारों के नाम है। 119 सीटों वाले तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को खत्म होने वाला है। खास बात यह कि इस बार कांग्रेस ने तेलंगाना की संत नगर विधानसभा सीट से डॉक्टर कोटा नीलिमा को मैदान में उतारा है। कोटा नीलिमा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की पत्नी है। पवन खेड़ा कांग्रेस के आक्रमक नेता है। फिलहाल पवन पार्टी के चेयरपर्सन के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं बात अगर उनकी पत्नी की करें तो कोटा नीलिमा भी राजनीति से जुड़ी हुई है, जिस पर इस बार कांग्रेस ने भरोसा जताया है। वो कांग्रेस की प्रमुख नेता है और IACC की मेंबर है। नीलिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में PhD और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मास्टर इन आर्ट्स की डिग्री हासिल की है। नीलिमा ने एक पत्रकार के तौर पर भी लंबे समय तक काम किया, जहां उन्होंने राजनीति को जमीनी तौर पर जाना। पत्रकार से वो राजनीति में आई, जहां वो लंबे समय से कांग्रेस नेता के तौर पर काम कर रही है। बताते हैं कर्नाटक जीतने के बाद से ही कांग्रेस ने तेलंगाना को फतेह करने की तैयारी तेज कर दी थी। तेलंगाना चुनाव को लेकर सोनिया गांधी ने कहा था, मुझे अपने सहयोगी के साथ इस महान राज्य तेलंगाना के जन्म का हिस्सा बनने का अवसर मिला। अब इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारा कर्तव्य है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार देखना मेरा सपना है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगी। अगर तेलंगाना में हमारी सरकार आई तो सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा प्रदान की जाएगी, साथ ही महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। ऐसे में अब देखना ही होगा कि डॉक्टर कोटा नीलिमा कांग्रेस की उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।